नमस्कार बच्चों, आज के गणित के क्लास में हम ले रहे हैं वैदिक गणित की अभ्यास माला 18। पांचवी कक्षा की वैदिक गणित की अभ्यास माला 18, जिसके प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 15 तक हम आज यहाँ पर ठीक प्रकार से समझेंगे। 1 से 8 तक प्रश्न पिछले वीडियो में हमने समझे थे। अभी यहाँ पे 2-3 नए तरह के प्रश्न हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। पहला जो प्रश्न आ रहा है, नौवां और दसवां जिसमें हल करना पड़ेगा हमको, वो है आरोही क्रम में निम्न बिंदुओं को खींचिए। आरोही क्रम, तो आरोही और अवरोही आपने पहले नाम सुने होंगे, छोटी कक्षा में आपने सुना होगा आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। तो मैं एक यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ छोटा सा, उस चित्र को ध्यान से समझेंगे। समझ लीजिए एक पहाड़ है, पर्वत है ना, तो इस तरीके का जो पर्वत है, उस पर्वत पर जब कोई ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, आरोहण कहते हैं। वैसे नीचे उतरने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, अवरोहण कहते हैं। यानी कि जब कोई आदमी नीचे उतरेगा उसको क्या कहते हैं, अवरोह। हम अपने हिसाब से अवरोही लिख देते हैं, क्योंकि अवरोही और आरोही सीखना है, और जो ऊपर चढ़ता जाएगा उसको क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। ऊपर चढ़ा जाता है उसको आरोही, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं उसको कहते हैं अवरोही, अवरोहण कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं बढ़ती जाएगी, अभी ध्यान से देखना, जो संख्याएं बढ़ती जाएगी आरोही, यानी कि बढ़ने वाली संख्या, जैसे 4 के बाद में 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ने वाली संख्या होगी वो तो होती है आरोही, और जो संख्याएं घटती जाती है यानी कि कम होती जाती है, जिनका मान छोटा होता है, वो होती है अवरोही। जैसे 11, 10, 9, 8 ये क्रमश लिखे हैं मैंने, है ना, क्रमश आरोही यानी कि बढ़ते जाना, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, अवरोही यानी कि कम होते जाना, घटते जाना। अभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दो संख्याओं में से कौन सी आरोही है, कौन सी अवरोही है, यानी कि दोनों में से आरोही क्रम में लिखना भी पड़ सकता है या अवरोही क्रम में लिखना पड़ सकता है। जैसे ये है, इसमें 4 संख्याएं दे दी, अब इन 4-4 संख्याओं को पूछ लिया कि आरोही क्रम में लिखो, तो बड़ी संख्या को हमको पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, तो छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी संख्या को, उसके बाद फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या को, तो इस तरीके से आरोही संख्या बिंदु में आरोही और अवरोही संख्या आ जाए उसका मतलब प्रश्न पूछ ले, तो उसका एक चीज ध्यान रखना है, जब किसी संख्या का अंश समान, हर समान हो तो उससे हम आरोही संख्या अवरोही संख्या आसानी से याद कर सकते हैं। और ये मैं नियम यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी। जब किसी संख्या में यानी कि भिन्न संख्या में हर समान हो, तो हर यानी कहते हैं नीचे वाली संख्या, वो दो संख्याएं होती है भिन्न संख्या में, एक ऊपर की और एक नीचे की, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 4/3 है, तो ये क्या हो गया अंश, और ये क्या हो गया हर। तो जब किसी संख्या में हर समान हो तो बड़े अंश वाली संख्या, जैसे किसी का अंश हर समान है, यहाँ पे ये देखिए
ये इसका हर पांच 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 सब में पांच है, तो इसमें बड़ा जो अंश होगी वही संख्या बड़ी होगी, बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है। आगे बात समझो, जब किन्हीं संख्याओं में किसी संख्या लिख रहा है किन्हीं संख्याओं में हर समान होंगे तो बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है, इतना सरल सा नियम है। यानी कि अब हर समान वाला ये प्रश्न देखो, अब ये कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है इस जिनकी दी हुई चार संख्याओं को, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। और हमने ये सीख लिया है कि किसी में जब हर समान हो, यहाँ पे हर समान लिख रहे हैं बर्तन में साथ लिख रहे हैं सभी, तो हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी, ये पाँच वाली, पाँच बट्टा सात सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम में लिखना है ना, आरोही क्या है छोटा पहले और बड़ा बाद में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, दो बट्टा सात, उसके बाद उससे थोड़ी सी और बड़ी तीन बट्टा सात, उससे थोड़ी सी और बड़ी चार बट्टा सात, और सबसे बड़ी हो जाएगी पाँच बट्टा सात। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया। इसी तरीके से इसी लाइन से अवरोही भी लिख सकते हैं, तो अवरोही लिखने में क्या होगा, अवरोही मतलब बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी संख्या आएगी बाद में, तो अवरोही यानी कि बड़ी संख्या पहले आएगी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या चार दिख रही है अंशों के हिसाब से, अंश बड़ा है तो वो संख्या बड़ी होगी हर समान होने पर, तो चार बटा पाँच सबसे बड़ी, उससे थोड़ी सी छोटी तीन बटा पाँच, उससे और थोड़ी सी छोटी दो बट्टा पाँच, उससे फिर थोड़ी सी छोटी है एक बट्टा पाँच। इस तरीके से हर समान होने पर हम संख्याओं का छोटा या बड़ा क्रम तय कर सकते हैं। अब यदि एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये बात हमको नहीं याद रही तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो, वो सामान्य तरीका है, वो भी मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे दो संख्या ले लेते हैं, एक तो दो बटा पाँच और एक तीन बटा पाँच, इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है वो हमने पहले सीखा भी था, जैसे दो बटा पाँच और तीन बटा पाँच। अब इसमें से छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना या बराबर का चिन्ह लगाना ऐसा हमने सीखा था, फिर पाँच का भाग देना दो में, पाँच का भाग जब दो में दिया सीधा सीधा जाता नहीं है तो 0.524 यानी कि 0.4 इसका मान आता है। दूसरा पाँच का भाग दिया तीन में तो सीधा नहीं जा रहा है, तो 0.5 3 15 5 24 5 25 और 5 30 0.6। तो हम इन दोनों संख्याओं का मान हमको पता चल चुका है, इसका 0.4 इसका 0.6 यानी 0.40 0.60। तो अब इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, ये दिख रही है बड़ी संख्या, तो इस तरीके से हमें बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर ये हम भूल जाते हैं तो ये सामान्य नियम याद रखना, हालांकि इसको भूलना नहीं है लेकिन ये सर्वमान्य नियम है, हम किसी भी संख्या का चाहे अंश समान हो या नहीं हो, हर समान हो या नहीं हो, ऐसी संख्या आ जाए 4/6 और 3/5 जिसमें अंश और हर सभी अलग अलग हो, तो हम इस तरीके से छोटी और बड़ी संख्या निकाल सकते हैं और फिर उसके मान के हिसाब से आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको छोटी और बड़ी संख्या का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है 3/5 बड़ी संख्या है और हमने भी 3/5 को बड़ा लिखा है, ये तो बहुत ईजी हो जाता है जब हर समान हो तब। अभी दूसरी चीज हम सीखेंगे, जब हर समान नहीं हो, जब हर समान नहीं हो अंश समान हो, तो अंश समान होने पर कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है उसको सीखते हैं, है ना। तो जब कभी भी अंश समान हो, देखो मैं याद लिख देता हूँ, जब अंश समान हो तो
कट वाली संख्या छोटी होती है। अब अंश समान है, जैसे ये चार, ये चार, ये चार और ये चार, इन चारों संख्याओं का इसमें तीन अंश समान है। तो जब अंश समान हो तो बड़ा हर, हर जिसका बड़ा है तो वो संख्या छोटी हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना, हर बड़ा होने पर संख्या छोटी होती है। तो इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, हर अलग अलग दिख रहा है। तो बड़ा जिसका हर है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो बड़े हर वाली संख्या छोटी है अंश समान होने पर। तो इससे हम इनको आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये ले लिया है ना दसवां अभ्यास प्रश्न, 3/5, 3/7, 3/4 और 3/8। हमने देख लिया सब में अंश समान है, तो जब अंश समान है तो हर को देखो। तो जिस संख्या में हर बड़ा है वो संख्या तो होती है छोटी, यानी कि ये है छोटी, इससे थोड़ी सी बड़ी ये है, इससे थोड़ी सी बड़ी ये है और ये है सबसे बड़ी। तो हमको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/3, 3/8, क्योंकि सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बढ़ते क्रम में 3/7। फिर आगे अब आप समझ गए होंगे 3/5 और 3/4। अवरोही क्रम में लिखना है उसका उल्टा, यानी कि बड़ी संख्या पहले है और छोटी संख्या बाद में, यानी कि नीचे की तरफ उठ रही है। बड़ी संख्या कौन सी होती है, बड़े हर वाली संख्या ना छोटी होती है, तो छोटे हर वाली बड़ी होगी ना। तो ये देखो अंश सब में चार है, तो जिसमें सबसे छोटा अंश है वो संख्या हो जाएगी बड़ी, यानी कि हम अवरोही क्रम में आ रहे हैं। यहाँ पे आएगा सबसे पहले 4/5 ना, उसके बाद 4/6, 4/7 और 4/8, इस तरीके से। तो इन दो बातों को याद रखते हुए हम आरोही और अवरोही क्रम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जब अंश या हर समान हो। और नहीं तो ये मैंने आपको सर्वमान्य नियम बताए थे, अभी अंतिम अभ्यास प्रश्न 13, 14 और 15 ये कह रहे हैं निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम यानी कि वो मैक्सिमम सरल कितना हो सकता है, अधिकतम कितना छोटा रूप हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, 4/12 दे दिया 13वां जो प्रश्न है, तो ये 4/12 किसी न किसी भिन्न का थोड़ा बड़ा रूप है, यानी कि इससे छोटा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों ही संख्याओं में समान अंक का गुणा या भाग करने पर समतुल्य भिन्न बनती है। तो समान अंक से किसी न किसी से गुणा हो रखी है, यानी कि इससे छोटी संख्या कुछ है, उस छोटी संख्या को समान अंक से गुणा किया तो 4/12 आ गया। तो हमको यहाँ देखना है कि 4 को जैसे मान लो 4 से गुणा किया हुआ है, हम थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हैं, नहीं तो 1 से शुरुआत करेंगे और क्या। तो यहाँ पर देखो अब मुझे सीधा अनुमान है, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 बन गया, या फिर इधर 3 को 4 से गुणा किया तो 12 बन गया, ये चीज मुझे तो पता है, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तो हमको भी पता चल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4/12 को कैसा बना है, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 बन गया और 3 को 4 से गुणा किया तो 12 बन गया। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, समान अंक से गुणा किया हुआ है तो या तो समान अंक से भाग देकर देख लो या फिर उस गुणे वाले अंक को हटा के देख लो। तो भाग ही दिया जाता है वैसे, क्योंकि हटाएंगे तो फिर वो गुणे वाले लिखने पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 4/12 दोनों ही में, अंश में भी और हर में भी, 4 का भाग देने पर ये सरल हो सकती है। वैसे 2 का दे सकते हैं सरल हो जाएगी, फिर से 2 का देना पड़ेगा ताकि ये सरलतम रूप में आ जाए। तो इसको सीधे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, काटने के लिए समान अंक वाली
समान अंक काम में लेते हैं, अंश में भी और हर में भी। अंश को जिस संख्या जिस अंक से काटा है उसी अंक से हर को काटा जाता है। जैसे मैंने इसको दो से बांट दिया चार के अंदर, तो दो एक दो दो चार, तो मेरे पास में क्या आया, दो आया। इसमें भी दो का ही भाग देना, तो बारह में दो का भाग दिया तो क्या आया छः। और सरल हो सकता है कि फिर से दो का भाग दे के देख लेते हैं, दो का भाग दे के देखा तो आया एक, इसमें दो का भाग दे के देखा तो आया तीन। अभी और एक का भाग देने में तो सेम वही संख्या आती है, आपको मालूम है दो का भाग एक में नहीं जाएगा, जब एक में भी जाना बंद हो गया और सबसे छोटी संख्या दो ही है भाग करने के लिए, तो ये इसका सरलतम रूप। अभी इसको देखो ध्यान से, इसमें ये किताब में इस तरीके से दे रखा है और हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, तो दोनों सेम ही बात है। पाँच बट्टा बीस है, पाँच बट्टा बीस बनना कैसे, हम ये सोच रहे हैं पाँच कैसे बना। मान लिया पहले शुरू में एक था, एक को गुणा किया हुआ है पाँच से तो पाँच बन गया, तो नीचे वाली संख्या को भी पाँच से ही गुणा किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या था पाँच एक पाँच, पाँच दो दस, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चौके बीस, हाँ चार था, इससे हमको पता चल गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं जी कि एक बटा चार को गुणा किया गया है पाँच से, पाँच और पाँच तो हटा देंगे तो सरलतम रूप इसका क्या हो जाएगा एक बटा चार। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से छः बटा नौ है, इसको भी देखना, छः बटा नौ कैसे आई ये संख्या, किसको गुणा किया गया, तो दो से गुणा शुरुआत करते हैं, दो का हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो पता चलेगा कि गुणा करने पर नौ नहीं बन सकता, तो तीन से गुणा करके देखते हैं, तीन को किससे गुणा करें कि छः बन जाए, तीन को दो से गुणा करें तो छः बन सकता है। चलो आगे समझ में, तो तीन को किससे गुणा करें कि नौ बन जाए, तो तीन को तीन से गुणा करेंगे तो नौ बन जाएगा, ये तीन से भाग देने पर। अब यहाँ पे गुणा अंक वाली विधि बताइए, मैंने यहाँ पर आपको उसी का भाग दे दिया, तो समान ही बात है, तो इसमें तीन का भाग देंगे तो आ जाएगा दो और इसमें तीन का भाग देंगे तो आ जाएगा तीन, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं दो इंटू तीन और तीन इंटू तीन, तीन और तीन तो हट जाएंगे इंटू तीन, जो गुणा तीन क्या हुआ है वो बड़ा कर दिया ना, तो बड़ा वाला तो हटा देंगे, पीछे जो बचा है दो बटा तीन इसका सरलतम रूप है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमने अभ्यास किया है आरोही क्रम अवरोही क्रम और भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना, ये हमको समझ में आया होगा। इन प्रश्नों का बार